नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन केडिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई क्लास लेके आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज की क्लास एक वेट लॉस प्लस स्ट्रेचिंग क्लास है। कुछ नए स्ट्रेचेस करेंगे आज की क्लास में हम। बहुत इफेक्टिव स्ट्रेचेस हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे आपके, एंड ओवरऑल आप बहुत अच्छा फील करेंगे अपनी बॉडी को लेके। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्ट्रेचिंग, इनहेला, इंटरलॉक, स्ट्रेच करें अच्छे से, राइट साइड जाएं, स्ट्रेच, सेंटर, लेफ्ट साइड जाएं, स्ट्रेच, सेंटर, राइट अगेन, स्ट्रेच, सेंटर, लेफ्ट अगेन, स्ट्रेच, सेंटर, धीरे से हैंड डाउन, बैठे, हाथों को फैलाएं 180 डिग्री, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट अप एंड स्ट्रेच, सेंटर, लेफ्ट डाउन, राइट अप, स्ट्रेच, सेंटर, राइट डाउन, लेफ्ट अप, स्ट्रेच, सेंटर, लेफ्ट डाउन, राइट अप, स्ट्रेच, सेंटर, राइट डाउन, लेफ्ट अप, स्ट्रेच, सेंटर, लेफ्ट डाउन, राइट अप, स्ट्रेच, सेंटर, बोथ हैंड्स अप एंड एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाएं, अपनी बैक को थोड़ा वार्म अप करें, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, हाथों को सामने करें, हल्का हल्का सा कमर को रोटेट करें अपनी। वार्म अप करना सबसे जरूरी है कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। अच्छे से राइट लेफ्ट करें, यस, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, नीज के आगे रोटेट करें, एक्सेल के साथ बैक को अच्छे से अपनी वार्म अप करें। एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करने से पहले रोलिंग से आपकी बैक, लोअर बैक वार्म अप होती है, एक्सरसाइज रूटीन के लिए तैयार होती है। सेंटर रुके, दोनों हाथ फ्लोर पे रखें, पंजे इन करें, स्ट्रेच करें, नी डाउन, कमर दबाएं अपनी, देखिए पंजे दोनों पैरों के मेरे इन है, एक्सेल, नी डाउन, इनहेल, कमर दबाएं नीचे, एक्सेल, स्ट्रेच, नी डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, फिर से एक बार नी डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, स्ट्रेच करें। इसी पोजीशन में सिर्फ लेफ्ट नी, देखिए लेफ्ट नी को टैप करें फ्लोर से, वन एंड बैक, टू एंड बैक, थ्री and back, four and back, one last, five, knee को रख दिया floor पे, दूसरे पैर को ऊपर उठाए, rotate करें इस तरह से, one and back, फिर से एक बार, two and back, three and back, four and back, one last, फाइव, पैर को उसी जगह छोड़ा मैंने, मेरा राइट पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट हैंड ऊपर उठाएं, डीप इनहेल, हैंड डाउन, राइट नी को बैंड किया मैंने एंड स्ट्रेच किया, होल्ड रखें, वन टू थ्री फोर फाइव एंड बैक, वापस आया, पंजा इन, दोबारा से
पर्वतासन में। अब राइट नी को टैप करेंगे फ्लोर से, टैप करें 1 and back 2 and back 3 and back 4 and back और लास्ट 5। राइट नी को फ्लोर पे रखा, लेफ्ट को पोर्ट है, देखें इस तरह से रोटेट करें, टैप करें 1 and back। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी आपकी, 2 हिप मसल की, हिप जॉइंट की, 4 and back। इनका हिप पे एक्स्ट्रा फैट होता, थाइस पे एक्स्ट्रा फैट होगा, कम होगा इस एक्सरसाइज से, लेग बैक, लेग डाउन, धीरे से हमने इस पैर को नीचे रखा, फिर से साइड में लेके आया, बिल्कुल स्ट्रेट करा पैर, बिल्कुल सीधा है मेरा, देखें लेफ्ट, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा दें, बिल्कुल आउट करें, आउट करें, आउट करें, आउट करें, होल्ड रखें, होल्ड रखें, होल्ड रखें, हैंड डाउन, इस पैर को बैंड किया, देखें मैंने लेफ्ट लेग को बैंड किया, एंड स्ट्रेच करें पीछे, होल्ड रखें, 1 2 3 4 and 5, लेग बैक, पंजों को इन करें, स्ट्रेच, कमर नीचे लेके आए इसी पोजीशन में, डीप इनहेल, देखिए मैं प्लैंक पोजीशन में क्या, पेट को सक इन करें, पेट को अंदर की तरफ खींचे, एंड बैक, 2, पेट को अंदर की तरफ खींचे, एंड बैक, 3, पेट को खींचे अंदर, एंड बैक, मैं प्लैंक पोजीशन में पेट को अपने बैली बटन को सक इन कर रहा हूं अंदर की तरफ, 4 बैक, 1 last 5, ताकत लगा के सक इन करें, होल्ड रखें, 1 2 3 4 5, नी डाउन, एंड धीरे से नीचे आ जाएं, हाथ आपके शोल्डर के बिल्कुल नीचे, एल्बो डाउन, चिन डाउन, डीप इनहेल, सिर अपर बॉडी ऊपर उठाएं, होल्ड रखें, 1 2 3 4 and 5, हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करा, स्ट्रेच, सिर अपर बॉडी ऊपर उठा दें अपनी, होल्ड रखें, 1 2 3 4 and 5, धीरे से डाउन, फिर से करेंगे एक बार, डीप इनहेल, दाएं पर बॉडी, पैरों को भी ऊपर उठा दें, होल्ड रखें, 1 2 8 count 3 4 5 6 7 8, लैग डाउन, हाथों को सामने लाए, चिन डाउन, राइट हैंड ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं, 1 and down 2 and down 3 and down 4 and down 5 6 7 8, दोनों हाथ दोनों पैरों को होल्ड रखें, 1 2 3 4 5 6 7, चलाएं इस तरह से हाथ और पैरों को इकट्ठे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, सांस लें गहरी, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस ले गहरी, इनहेल एंड एक्सहेल, हाथों को रखें फिर से एक बार शोल्डर के नीचे, अपर बॉडी ऊपर उठाएं, राइट लेग ऊपर उठाएं, हल्का सा ट्विस्ट करें पैर को इस तरह से, 1 and back, नीचे से नीचे आ जाए, फिर से एक बार अपर बॉडी ऊपर उठाएं, 2, लेफ्ट लेग ऊपर उठाया, हल्का सा आउट किया पैर को, लेग बैक डाउन, फिर से ऊपर उठाएं,
3 राइट लेग ऊपर उठाया, आउट करा मैंने राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर से, वापस आए धीरे से नीचे 4 लेफ्ट लेग ऊपर उठाया, आउट करा लेग वापस एंड डाउन, हाथों को शोल्डर के पास रखा, एल्बो ऊपर उठाई, पंजा इन पीछे वाला डीप इनहेल अप, स्ट्रेच करें पर्वतासन में, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, इसी पोजीशन में राइट लेग ऊपर उठाया मैक्सिमम, आउट करें इस पैर को, देखें मैं आउट कर रहा हूँ राइट पैर को, लेफ्ट पैर के ऊपर से आउट कर रहा हूँ, स्ट्रेच आ रहा है मेरी कमर में, साइड्स में, लोअर एब्स में, होल्ड रखें, लेग बैक, कमर नीचे लेके आए, सांस ले गहरी एंड बैक, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं मैक्सिमम, आउट करें आउट करें आउट करें, होल्ड रखें 1 2 3 4 5 लेग बैक, कमर नीचे लेके आए, डीप इनहेल एंड बैक, राइट लेग ऊपर उठाएं आपकी बार, आउट करें इसको भी, आउट 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 आउट, होल्ड रखें 1 2 3 4 एंड 5 लेग बैक, कमर नीचे लेके आए, डीप इनहेल एंड बैक, लेफ्ट लेग ऊपर उठाया मैंने, आउट करते हैं इसको भी, आउट आउट आउट, लेग बैक, कमर नीचे लेके आए, डीप इनहेल एंड बैक, स्ट्रेच, प्लैंक पोजीशन में आए, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, पीछे वाला पंजा डाउन, डीप इनहेल अप, पंजा इन, वापिस आए बैक, पैरों को आगे लेके आए, पकड़े काफ मसल, सर को देखे नीचे, पैरों के अंगूठों की तरफ, डीप इनहेल अप, हिप को टाइट करें, पीछे 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 एंड डाउन, सांस लें गहरी, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें गहरी, इनहेल एंड एक्सहेल, मैट के फ्रंट में आए, दो सूर्य नमस्कार करेंगे, वेरिएशन है सूर्य नमस्कार का ये, हाथों को छोड़ें, डीप इनहेल अप, हिप को टाइट करके पीछे, एक्सहेल डाउन, राइट लेग बैक, चेस्ट थाई पे हाथ सामने, स्ट्रेच, होल्ड रखें 1 2 3 4 एंड 5 राइट एल्बो लेफ्ट नी से आउट करें, हाथ छोड़े, होल्ड रखें 1 2 3 4 एंड 5 हैंड डाउन, लेग बैक, स्ट्रेच, लेग चेंज करके दूसरा पैर आगे लाया मैं, राइट पैर चेस्ट थाई पे हाथ सामने, स्ट्रेच, होल्ड रखें 1 2 3 4 एंड 5 लेफ्ट एल्बो राइट नी से आउट, हाथ जोड़ें 1 2 3 4 एंड 5 हैंड डाउन, लेग बैक, स्ट्रेच, कमर नीचे लेके आए, डीप इनहेल एक्सहेल बैक, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग, डीप इनहेल अप एंड बैक, एक और करते हैं, जो थोड़ी और वेरिएशन करेंगे इस बार, 3 लेफ्ट लेग बैक, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, होल्ड रखें 1 2 3 4 एंड 5 लेफ्ट एल्बो राइट नी से आउट, हाथ जोड़ें
1, 2, 3, 4, and 5. Hand down. Leg back. Stretch. Left leg लेके आया आगे में. Both hands up. Hold रखें. 1, 2, 3, 4, and 5. Right elbow left knee से out. हाथ जोड़े. 1, 2, 3, 4, and 5. Hand down. Leg back. Stretch. कमर नीचे लेके आए. Deep inhale. And exhale. Stretch. Left leg forward. Right forward. Deep inhale. And back. Inhale. And exhale. सांस ले गहरी. Inhale. And exhale. पैरों में gap दे. पैरों में maximum gap दे. इतना दे सकते हैं आप. थोड़ा ध्यान से देखें आप. बहुत effective exercise है ये. वेट लॉस भी करेगी. आपके थाई का फैट भी कम करेगी. हिप का फैट कम करेगी. साथ ही साथ आपका बैक पेन में भी बहुत इफेक्टिव है. राइट पैर को आउट किया मैंने. अब देखें नी को बैंड करते जाए. मैं राइट नी को बैंड कर रहा हूँ और आगे की तरफ झुक रहा हूँ. स्ट्रेच करो अपनी बॉडी को मैक्सिमम. 1 and back. बहुत स्मूथली करना है. फिर से एक बार. 2 and back. 3 and back. 4 and back. 1 last. 5. Hold रखें. 1, 2, 3, 4, and 5. वापस. Left leg को out करें. सांस लें गहरी. Knee को bend करते जाएं. 1 and back. 2 and back. 3 and back. 4 and back. 1 last. 5. हाथ सामने स्ट्रेच. 1, 2, 3, 4, and 5. Leg back. पैरों को सामने की तरफ करा. हाथ थाइस पे. नीचे जाएं. नीचे नीचे पैरों को पकड़े अपने. सर नीचे लेके जाएं फ्लोर की तरफ. होल्ड रखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. धीरे से आप नी डाउन. पैरों को सामने करें सीधा बिल्कुल. बोथ हैंड्स अप. झुके आगे. सर लेते हैं नी के पास. होल्ड रखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. डीप इनहेल अप. हाथ कमर के पीछे. कमर उठा दे मैक्सिमम. गर्दन पीछे फ्री. एल्बो बिल्कुल सीधी. नी बिल्कुल स्ट्रेट. होल्ड रखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. धीरे से नीचे आए. मैंने अपने लेफ्ट नी को बैंड किया. लेफ्ट हैंड आगे लेके जाएं. रोल करें. दूसरा हाथ कमर के पीछे. चेस्ट बिल्कुल ताना लें. सामने की तरफ देखें. 1. सांस लें. 2. जो इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं सपोज, और हाथ ऐसे है तो ये भी सही है. कोई बात नहीं. जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही करें. 3, 4, and 5. हाथों को रखें पीछे. देखें इसी पोजीशन. थोड़ा ध्यान से देखें. इसी पोजीशन में उठा. जो मेरा लेफ्ट पैर है वो वहीं पे है जहाँ पे रखा था मैंने. और राइट नी को देखें. राइट नी को बैंड करता गया मैं और लेफ्ट नी को फ्लोर की तरफ. राइट नी देखें मेरा ऊपर की तरफ है. ये राइट नी छत की तरफ और लेफ्ट नी फ्लोर की तरफ. स्ट्रेच करें नी को. 1, 2, 3, 4, and 5. धीरे से वापस आए. एक बार फिर से लेफ्ट को मैंने रोल किया. राइट हैंड कमर के पीछे लाया.
एंड स्ट्रेच और रखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाथ पीछे लेके आया मैं और एक बार फिर से लेफ्ट नी को लेके गया फ्लोर की तरफ और रखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे आया, पैर को मैंने सीधा करा, राइट नी को बेंड किया, राइट हैंड लेके गया मैं आगे से रोल, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे एंड कमर सीधी करके सामने देखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाथों को रखा पीछे, मेरा राइट लेग बैंड है, लेफ्ट स्टेट है, अब मेरा राइट नी फ्लोर की तरफ जा रहा है और लेफ्ट नी ऊपर छत की तरफ है या आसमान की तरफ, होल्ड रखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापिस आए, 1 last time, फिर से राइट को आगे लिया, रोल कर दिया नी के आगे से, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, इंटरलॉक नहीं हो रहा, इंटरलॉक तो भी कोई बात नहीं, कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाथों को रखा पीछे, कमर उठाई अप और राइट नी को फ्लोर की तरफ लेके गए, स्ट्रेच करा अपने थाइस को, 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से वापस पैरों को सीधा करा, राइट पैर को बैंड किया, नीचे से पकड़ा हील को, कस के खींचा अपने स्टमक पे, थाई को मैं अपने पेट से लगा रखा है मैंने, होल्ड रखे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सीधा करते हैं पैर को, राइट पैर को बैंड किया, कस के खींचा इसे अपने स्टमक पे, 1, राइट थाई मेरे स्टमक से टच है, 2, नी मेरे चिन से टच है, 3, 4 एंड 5। धीरे से लेटे फ्लोर पे, लेफ्ट पैर को बैंड करें, कस के लगाएं अपने स्टमक से, सर उठाएं, नी से लगाएं, दूसरा पैर 30 degree आप होल्ड रखें, 1, 2 सांस लें, 3, 4 एंड 5। गर्दन नीचे क्रॉस करके गिरा दें इस पैर को, गर्दन घुमा के अपने लेफ्ट हैंड को देखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से वापस आए, लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर रखा, राइट पैर को बैंड किया मैंने, लेफ्ट को उसके ऊपर रखा, राइट पैर को सीधा करें, पकड़े काफ मसल, खींचे इसको, होल्ड रखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर से बैंड किया इस पैर को, पर फ्लोर पे नहीं रखा अब की बार, हवा में ही है और सर्कल घुमाए इस तरह से हल्का हल्का सा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेग डाउन, दोनों पैरों को सीधा करा, अब राइट पैर को बैंड किया, कस के दबाया, सर लगाया नी से, दूसरा पैर 30 degree आप होल्ड रखें, 1, 2, 3 सांस जरूर लें, 4 एंड 5। गर्दन नीचे क्रॉस करके गिरा दें इस पैर को, दूसरा हाथ 180 degree, गर्दन घुमा के अपने राइट हैंड को देखें, फील करें स्ट्रेच, सांस जरूर लेते रहें, होल्ड रखें, 1, 2 सांस लें, 3, 4 एंड 5। धीरे से वापस लेफ्ट को बैंड किया, राइट को रखा उसके ऊपर, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, पकड़े ऊपर से काफ मसल, खींचे, होल्ड रखे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर आप पैर के ऊपर से काफ मसल नहीं पकड़ पा रहे तो पैरों के नीचे से अपनी थाइस को भी पकड़ सकते हैं। पैर को बैंड किया, फ्लोर पे नहीं रखना, फ्लोर से ऊपर, अब सर्कल घुमाएं, 1, कमर का अच्छे से, 2, 3, 4
एंड फाइव लेग डाउन, दूसरा पैर भी नीचे, कमर उठाए अपनी आप मैक्सिमम एट पॉइंट के लिए, वन टू पांच लाइन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कमर नीचे, दोनों घुटने लगाए, स्टमक से कस के दबाए, सर उठाए, नीचे लगाए, होल्ड रखे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, नेक डाउन, पैरों को सीधा करें, पैरों में दो फिट का गैप, हाथों में एक फिट का गैप, आंखें बंद, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें गहरी, इनहेल एंड एक्सहेल, सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को, बिल्कुल शांत, इनहेल एंड एक्सेल, टर्न करें, सीधे हाथ का सहारा लेके उठ के खड़े हों, दोस्तों बहुत ही रिलैक्सिंग क्लास है ये, इस क्लास को करके वेट लॉस होगा आपका, साथ ही साथ बॉडी रिलैक्स भी होगी आपकी, अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें इस क्लास को, कमेंट करें इस क्लास में कैसी लगी क्लास आपको, क्या चेंजेस चाहते हैं और कौन सी क्लास करवाना चाहते हैं आप, कोई पर्टिकुलर क्लास किसी पेन के लिए, किसी और बीमारी के लिए आप कोई क्लास चाहते हैं कमेंट करके बताएं मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्लास को बनाने के लिए, और भी कोई सजेशन हो मेरे लिए मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, धन्यवाद।